हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो का टॉपिक है ऑपरेटर्स। इस वीडियो के अंदर जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे वो हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो फर्स्ट बात करते हैं ऑपरेटर्स की। ऑपरेटर्स का हम यूज़ करते हैं मैथमेटिकल एंड लॉजिकल कैलकुलेशंस करने के लिए, जैसे कि हमें किसी भी वैल्यू को प्लस करना है, माइनस करना है, या फिर हमें टू वैल्यूज़ को कंपेयर करना है, या फिर हमें उनमें चेक करना है कि वो वैल्यू अभी ग्रेटर देन है या लेस देन है। तो इस तरह से लो मैथमेटिकल एंड लॉजिकल कैलकुलेशंस करने के लिए हम यूज़ करते हैं ऑपरेटर्स का। तो स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स से। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आपके हैं प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड मॉडुलस। अब देखते हैं इनका प्रैक्टिकल। प्रेस करेंगे विंडो की प्लस आर टू ओपन रन डायलॉग बॉक्स। टाइप करेंगे नोट पैड प्लस प्लस, ओके पर क्लिक किया। ओके पर क्लिक करने के बाद आपका नोट पैड प्लस प्लस ओपन हो चुका है। मैंने यहाँ पर टाइप किया HTML, फिर यहाँ पर टाइप कर दिया हेड। हेड के बाद मैंने टाइप किया टाइटल। मैंने यहाँ पर टाइटल दे दिया ऑपरेटर्स और टाइटल टैग को क्लोज कर दिया। टाइटल के बाद हेड क्लोज होगा। फिर मैंने बॉडी को स्टार्ट किया, बॉडी को क्लोज कर दिया और इसके बाद HTML को मैं यहाँ पर क्लोज कर दूंगी। आप फाइल को सेव करेंगे। आप जिस भी पाथ या लोकेशन पर फाइल को सेव करना चाहते हैं ब्राउज करेंगे। मैं इसको सेव कर रही हूँ JavaScript क्लासेस फोल्डर के अंदर। मैंने इसको नेम दे दिया day3.html और सेव कर दिया। अब इसे हम ब्राउजर के अंदर ओपन करेंगे। तो मैं अपने फोल्डर के अंदर गई। फोल्डर के अंदर जाने के बाद मैं अपना जो वेब पेज है day3, इस पर डबल क्लिक करूँगी तो आपका वेब पेज ब्राउजर के अंदर ओपन हो चुका है। देखिए यहाँ पर टाइटल डिस्प्ले हो रहा है ऑपरेटर्स। अब यहाँ पर जो आपका बॉडी टैग है, मैंने लिखा डी, आईडी दे दिया इसको D1। ये आपको मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था और मैंने पी को यहाँ पर क्लोज कर दिया। अब क्लोज करने के बाद मुझे यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग लिखना है, तो मैं लिखा स्क्रिप्ट और स्क्रिप्ट को यहाँ पर मैंने क्लोज कर दिया। अब फर्स्ट हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स लेंगे। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में वेरिएबल्स के बारे में बताया था कि वेरिएबल्स का हम यूज़ करते हैं वैल्यू को स्टोर करने के लिए। तो मैंने यहाँ पर वेरिएबल ले लिया var x = 56। सेकेंड वेरिएबल ले लिया y = 70, देन z = x + y लिखा। यहाँ पर जो प्लस है वो ऑपरेटर है जो कि आपका एडिशन करेगा। अब हमें इसको प्रिंट करना है आउटपुट को, तो हम लिखेंगे document.getElementById। ये भी मैं आपको प्रीवियस क्लास में बता चुकी हूँ। हमारे एलिमेंट का आईडी क्या है, D1, जो मैंने पी को मेंशन किया। डॉट इन HTML इक्वल टू, अब हमें क्या करना है, जेड की वैल्यू को प्रिंट करना है, क्योंकि जो आउटपुट है वो हमारी किस वेरिएबल के अंदर गई है, जेड के अंदर। तो यहाँ पर लिखेंगे सम इक्वल टू प्लस, ऑपरेटर लगाएंगे। अब वैल्यू किसके अंदर, जेड के अंदर, तो मैंने यहाँ प्रिंट कर दिया जेड। मैं जेड की वैल्यू को मैंने यहाँ पर पास कर दिया। अब स्क्रिप्ट हमारा क्लोज है, बॉडी क्लोज है, फाइल को सेव करेंगे। सेव करने के बाद मैं ब्राउजर में आई, मैंने यहाँ पर इसको रिफ्रेश कर दिया, तो सम आ गया है 126। अब इस तरह से हम बाकी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स यूज़ करने हैं, तब उनके लिए भी यहाँ पर पी टैग टाइप करूँगी। तो मैंने इसे यहाँ पर कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, क्योंकि तो मुझे सारे ऑपरेटर्स करने हैं। मैंने इसको आईडी दे दिया D2, D3, D4 एंड D5। अब मैं यहाँ पर वैल्यू चेंज कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर सेट कर दी वैल्यू 20 और यहाँ पर सेट कर दी 5। आप कोई वैल्यू रख सकते हैं। मैं इसे भी कॉपी करूँगी, कॉपी किया, यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर हमारा आईडी क्या है उसका, D2, D3, D4
95। अब यहाँ पर हमें क्या प्रिंट करना है, माइनस तो सब्ट्रैक्शन आप लिखेंगे सब्ट्रैक्शन एंड उसके बाद डिवीजन मल्टीप्लीकेशन एंड मॉड्यूलस। अब आपके जो रिजल्ट है वो डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स के अंदर जाएगा। तो मैंने जेड को कॉपी किया, यहाँ पे से पेस्ट कर दिया। अब हम डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स लेंगे, इसको मैंने नेम दिया जेड वन, जेड टू, थ्री, फोर एंड फाइव। ये मैंने फाइव डिफरेंट वेरिएबल्स मेंशन कर दिए आपको। अब एक्स माइनस वाई, एक्स डिवाइड वाई, एक्स मल्टीप्लाई वाई एंड एक्स मोड वाई। हम यहाँ पर वैल्यू पास करेंगे जेड वन की, जेड टू, थ्री, फोर एंड फाइव। तो देखिए फर्स्ट मैंने यहाँ पर फाइव पी मैंने यहाँ पर टाइप किए क्योंकि मुझे फाइव रिजल्ट शो करने हैं। फिर मैंने यहाँ पर एक्स वाई दो वेरिएबल्स ले लिए और उनको सम माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एंड मॉडुलस, मैंने मॉडुलस कर दिया उसे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उनके रिजल्ट को डिस्प्ले करेंगे। देखते हैं प्रैक्टिकल इसके आउटपुट क्या आती है। फाइल को सेव किया, सेव करने के बाद मैं ब्राउजर में आई, मैंने यहाँ पर रिफ्रेश किया तो देखिए वैल्यू थी मेरी यहाँ पर एक्स की 20 एंड देन 5 की। तो 25 सब्ट्रैक्शन 50 डिवीजन 4 आ गया, मल्टीप्लिकेशन आपका 100 आ गया। और उसके बाद यहाँ पर देखिए मॉडुलस, मॉडुलस में उसने क्या दिया है यहाँ पर 0। मॉडुलस का मतलब होता है रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन, कि डिवाइड करने के बाद जो भी रिमेनिंग बचेगा ये उसे रिटर्न करता है। तो 20 को हमने 5 से डिवाइड किया तो कितना गया 4 पर, तो आंसर क्या है 0। अब सपोज करो मैं 7 को अगर 2 से डिवाइड करती हूँ, 7 को अगर 2 से मोड कैलकुलेट करती हूँ तो क्या आंसर आएगा उसमें 1 आएगा। तो मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है, रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन डिवाइड करने के बाद जो भी शेष बचता है ये उसे रिटर्न करता है। तो ये थे आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। नेक्स्ट आपका है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स बेसिकली एक तरह से हम इनको शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स बोलते हैं। अगर कोई भी आपका वेरिएबल जो लेफ्ट में है अगर उसी वेरिएबल के अंदर अगर मैं वैल्यू को ऐड करना हो तो हम यूज़ करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स का। ऐड करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है या फिर हमें उसका मॉड कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पर आपका जो है एक्स इज इक्वल टू वाई जो सबसे फर्स्ट है इक्वल टू का हम यूज़ करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर के फॉर्म में। देखते हैं प्रैक्टिकल। अब यहाँ पर मैंने एक्स इज इक्वल टू 20 लिखा है तो एक्स क्या है मेरा असाइनमेंट ऑपरेटर जो कि क्या कर रहा है वैल्यू को असाइन कर रहा है। मीन्स एक्स की वैल्यू कितनी 20 तो 20 को हमें एक्स के अंदर स्टोर कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक्स क्या है हमारा इक्वल इज एन असाइनमेंट ऑपरेटर। इक्वल क्या है, एक असाइनमेंट ऑपरेटर है दैट असाइंस वैल्यू 20 टू द वेरिएबल एक्स जो कि वेरिएबल एक्स को क्या वैल्यू असाइन कर रहा है 20 असाइन कर रहा है। जब हम सिंगल इक्वल का यूज़ करते हैं तो वैल्यू असाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। अब आपके जो असाइनमेंट ऑपरेटर है वो क्या है, तो मैंने यहाँ पर एक न्यू फाइल ले ली। न्यू फाइल लेने के बाद अब यहाँ पर टाइप करूँगी HTML। HTML को मैंने क्लोज कर दिया, यहाँ पर मेरा आ गया हेड, टाइटल, इसको मैंने टाइटल दिया असाइनमेंट ऑपरेटर्स, टाइटल को क्लोज किया। टाइटल को क्लोज करने के बाद मैंने यहाँ पर हेड को भी क्लोज कर दिया। अब बॉडी लिखा और बॉडी को मैंने यहाँ पर क्लोज किया। फाइल को सेव करेंगे कंट्रोल एस, इसको मैंने यहाँ पर सेव कर दिया D3 असाइनमेंट
html। अब इसे हम ओपन करेंगे ब्राउजर के अंदर। तब अपने वेब पेज में आई, मैंने इसे डबल क्लिक किया तो देखिए मेरा वेब पेज यहाँ पर ओपन हो चुका है। असाइनमेंट ऑपरेटर्स यहाँ पर आपका टाइटल डिस्प्ले हो रहा है, आप देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स को। तो मैंने यहाँ पर वेर एक्स ले लिया जिसकी वैल्यू है 30, मैंने लिया वेर टेन सॉरी वेर वाई इज इक्वल टू 10, मैंने कहा एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, मीन्स मुझे क्या करना है जो एक्स मेरा वेरिएबल है उसी के अंदर वाई की वैल्यू को ऐड करना है और एक्स के अंदर स्टोर करना है। तो देखिए यहाँ पर जो एक्स है वो लेफ्ट में और राइट में दोनों साइड है, तो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकती हूँ एक्स प्लस इक्वल, क्योंकि मेरे यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर्स है, ये देखिए एक्स प्लस इक्वल माइनस इक्वल डिवाइड इक्वल मल्टीप्लाई इक्वल मॉडुलस इक्वल, जैसे आप लिखना आप लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा प्लस इक्वल वाई देन डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब यहाँ पर मैं पी टैग लिखूंगी, मैंने कहा पी इसको आईडी दे दिया मैंने यहाँ पर d1 और मैंने पी को क्लोज किया। गेट एलिमेंट बाय आईडी, इसका आईडी क्या है d1 डॉट इनर html इक्वल टू, अब हमें क्या करना है यहाँ पर उसके रिजल्ट को प्रिंट करना है। मैंने यहाँ पर लिखा सम इज इक्वल टू प्लस, अब वैल्यू हमारी किसके अंदर जा रही है एक्स के अंदर, तो मैं एक्स की वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट कर देंगे। अब यहाँ पर मैंने स्क्रिप्ट टैग ऐड नहीं किया, यहाँ पर लिखेंगे स्क्रिप्ट और लास्ट में यहाँ पर स्क्रिप्ट को क्लोज कर देंगे। आपको सेव किया, सेव करने के बाद मैं ब्राउजर में आई, मैंने इसको रिफ्रेश किया, अब देखिए यहाँ पर इसकी जो आउटपुट है 40 आ चुकी है। तो कहने का मतलब है कि असाइनमेंट ऑपरेटर्स हम तब यूज़ करते हैं जब कोई भी वेरिएबल जो आपका लेफ्ट में है, अगर उसी वेरिएबल के अंदर हमें राइट में वैल्यू को प्लस करना है माइनस करना है डिवाइड करना है मल्टीप्लाई करना है मोड कैलकुलेट करना है, तब हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। अगर स्टेटमेंट को हम एक्सपेंड करें तो ये स्टेटमेंट क्या बनेगी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई बन गई। तो एक्स आपका वेरिएबल दोनों साइड में है, हम इस केस में इसको शॉर्टकट मीन्स एक्स प्लस इक्वल टू वाई करके हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका होता है जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ठीक है, अब यहाँ पर क्या थ्री वेरिएबल्स हैं जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स वाई एंड जेड, और मैं इसको शॉर्टकट में लिखती हूँ जेड प्लस इक्वल वाई, तो ये मेरा गलत हो जाता क्योंकि जब इसको मैं एक्सपेंड करूँगी तो बनेगा जेड इज इक्वल टू जेड प्लस वाई, तो एक्स हमारा मिसिंग है। तो हमें असाइनमेंट ऑपरेटर्स का हमेशा तब यूज़ करना है जब कोई भी आपका वेरिएबल जो लेफ्ट में है, अगर वही वेरिएबल आपका राइट में है तो हम यूज़ करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स का। जिस तरह से आप माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई मॉडुलस आप उसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर्स का हम यूज़ करते हैं वैल्यू को कंपेयर करने के लिए कि क्या वो वैल्यू उसके इक्वल है नॉट इक्वल है ग्रेटर देन है ग्रेटर देन इक्वल टू है लेस देन है या लेस देन इक्वल टू है। देखते हैं इसका भी प्रैक्टिकल। मैंने यहाँ पर न्यू फाइल ले ली, न्यू फाइल लेने के बाद टाइप किया html, html को मैंने यहाँ पर क्लोज किया, फिर मैंने यहाँ पर लिखा हेड टाइटल, टाइटल दे दिया कंपैरिजन ऑपरेटर्स, फिर मैंने यहाँ पर टाइटल को क्लोज किया, हेड को क्लोज कर दिया, बॉडी स्टार्ट की, फिर मैंने बॉडी को क्लोज किया। अब फाइल को सेव करेंगे कंट्रोल एस, मैंने इसको नेम दे दिया d3 कंपैरिजन डॉट html और सेव कर दिया। अब यहाँ पर मैंने लिखा पी टैग, इसको आईडी दे दिया हमने d1, इसको क्लोज किया, फिर मैंने यहाँ पर स्टार्ट किया स्क्रिप्ट टैग, स्क्रिप्ट को यहाँ पर क्लोज कर दिया।
अब मुझे क्या लिखना है यहाँ पर, कंपैरिजन ऑपरेटर्स को कंपेयर करना है। तो मैंने यहाँ पर लिखा वेयर एक्स इज इक्वल टू 23, वेयर वेरिएबल वाई इज इक्वल टू 45। मैंने यहाँ पर दो वैल्यूज लिख दी। अब यहाँ पर मैं यूज करूँगी एक वेरिएबल और दे रही हूँ, वेयर जेड इज इक्वल टू 23। मैंने यहाँ पर लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, उसका आईडी क्या है, D1 है, डॉट इनर HTML इज इक्वल टू। अब हमें यहाँ वैल्यू कंपेयर करना, मुझे लिखना है कि अगर x y की इक्वल है तो मैं लिखा x डबल इक्वल का हम यूज करेंगे। देखें यहाँ पर इक्वल टू के लिए डबल इक्वल का हम यूज करते हैं, नॉट इक्वल टू के हम एक्सक्लेमेशन मार्क और आपका इक्वल टू को यूज करते हैं। तो आपके सारे सिंबल्स हैं ग्रेटर देन इक्वल टू के सारे। x इज इक्वल टू मैंने यहाँ पर लिखा y प्लस, हाँ मुझे यहाँ पर लाइन को ब्रेक करना है तो मैंने यहाँ पर br लिखा, फिर यहाँ पर प्लस लगाया, फिर लिखा x इक्वल टू जेड है और मैंने यहाँ पर स्क्रिप्ट को क्लोज कर दिया। सॉरी मैं स्क्रिप्ट को क्लोज कर चुकी हूँ पहले। फाइल को सेव करेंगे, सेव करने के बाद मैं ब्राउजर में आई, मैंने इसको यहाँ पर फर्स्ट मैं इस वेब पेज को ओपन करूँगी। इस पर डबल क्लिक किया वेब पेज को ओपन करने के लिए, तो यहाँ पर देखिए आपके आउटपुट आई फॉल्स एंड ट्रू। क्यों? अब यहाँ पर x की वैल्यू आपकी है 23, y के 45। तो मैंने लिखा x, क्या x आपका y के इक्वल है? नहीं, x की वैल्यू 23 है, y के 45, तो आपका आ गया फॉल्स। फिर मैंने लिखा कि क्या x की वैल्यू z के इक्वल है? x आपका 23 है, y 23 है, तो दोनों आपके इक्वल हो गए, तो आंसर आ गया आपका ट्रू। ये देखिए, तो इस तरह से हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। अब यहाँ पर मैं लिखती हूँ x की वैल्यू नॉट इक्वल टू y, आपको सेव किया ब्राउजर में, मैंने आके इसको रिफ्रेश कर दिया, तो यहाँ पर अपलोड होगी ट्रू हो गई। क्यों? क्योंकि मैंने लिखा कि क्या आपका x y के नॉट इक्वल है, मीन्स इक्वल नहीं है, नहीं है, क्योंकि x की वैल्यू 23 है, y आपका 45 है, तो हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो इसका आंसर आएगा ट्रू। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं ग्रेटर देन, तो मैंने लिखा यहाँ पर x की वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू दैट है। अब यहाँ पर क्या x की वैल्यू 23 है, y की वैल्यू 23 है, तो आंसर क्या आएगा, ट्रू, यस। फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया x की वैल्यू लेस देन y है, x आपका 23 है और y 45 है, यस, x आपका लेस देन हो गया y से, तो तब भी आंसर आपका आएगा ट्रू। तो इस तरह से हम लॉजिकल और आपका कंपैरिजन ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए। तो आप यूज़ करेंगे ग्रेटर देन, लेस देन, बाकी जो भी आपके सिंबल्स हैं। नेक्स्ट आपका है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स का हम यूज़ करते हैं दो या दो से ज़्यादा कंडीशंस को चेक करने के लिए। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स में सबसे पहले आपका यहाँ पर है लॉजिकल एंड, लॉजिकल और एंड लॉजिकल नॉट। आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स एक ट्रुथ टेबल पर बेस्ड होते हैं। देखते हैं क्या है ट्रुथ टेबल। लॉजिकल एंड के ट्रुथ टेबल है कंडीशन वन, कंडीशन टू एंड देन आउटपुट। अगर हमारे कंडीशन वन फॉल्स है, कंडीशन टू ट्रू है, तो आउटपुट आपकी फॉल्स हो जाएगी। कंडीशन वन फॉल्स है, कंडीशन टू फॉल्स है, तो आउटपुट आपकी फॉल्स होगी। कंडीशन वन ट्रू है, कंडीशन टू आपकी फॉल्स है, तो आउटपुट आपकी फॉल्स हो जाएगी। आउटपुट इन कंडीशन वन आपके ट्रू है, कंडीशन टू भी ट्रू है, तो आउटपुट आपकी ट्रू जाएगी। तो कहने का मतलब कि अगर आपके दोनों कंडीशंस, दो या दो से ज़्यादा जितने भी कंडीशन ट्रू हैं, तो वहाँ पर आपका जो लॉजिकल एंड का जो आउटपुट है वो भी आपका ट्रू जाएगा। फॉर एग्जांपल हम इसको डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे कि हम फेसबुक, जीमेल, याहू वगैरह के जब हम लॉगिन या साइन इन करते हैं, तो वहाँ पर हम क्या टाइप करते हैं, फर्स्ट अपना यूज़र आईडी टाइप करते हैं, यूज़र नेम टाइप करते हैं, उसके बाद हम अपना पासवर्ड टाइप करते हैं। आपने देखा होगा कि अगर यूजर नेम और पासवर्ड दोनों करेक्ट हैं तभी आपका लॉगिन काम करता है, अदरवाइज नहीं करता। तो मीन्स यूजर नेम हमारा क्या हो गया, कंडीशन वन हो गई, पासवर्ड क्या हो गया, कंडीशन टू हो गई। तो कंडीशन वन एंड कंडीशन टू जब दोनों ट्रू होंगी, तो आपका आउटपुट जो लॉगिन है वो भी आपका ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं लॉजिकल एंड ऑपरेटर का।
नेक्स्ट आपका है लॉजिकल और। लॉजिकल और ऑपरेटर का हम यूज़ करते हैं अगेन दो या दो से ज़्यादा कंडीशंस को चेक करने के लिए। अब इसमें अगर कंडीशन वन आपके फॉल्स है, कंडीशन टू आपके ट्रू है, तो आउटपुट आपके ट्रू जाएगी। कंडीशन वन फॉल्स है, कंडीशन टू भी आपकी फॉल्स है, तो आउटपुट आपकी फॉल्स होगी। कंडीशन वन ट्रू है, कंडीशन टू ट्रू है, सॉरी फॉल्स है, तो आउटपुट आपकी ट्रू जाएगी। अगर दोनों ही कंडीशन ट्रू है, देन आउटपुट आपकी ट्रू जाएगी। तो कहने का मतलब है अगर दो या दोनों में से एक भी कंडीशन अगर आपकी ट्रू है, मीन सही है, तो आउटपुट आपकी ट्रू जाएगी। अगर दोनों कंडीशन फॉल्स हैं, तो आउटपुट आपकी फॉल्स होगी। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे यूजर नेम और पासवर्ड में आप चाहते हैं कि अगर यूजर नेम और पासवर्ड दोनों करेक्ट हैं, तो आपका लॉगिन काम कर जाए, या फिर दोनों में से एक भी अगर कंडीशन ट्रू है, मीन्स अगर यूजर नेम ट्रू है और पासवर्ड गलत है, तो आपका लॉगिन काम करें। तो जहां पर हमें क्या करना है, दोनों या दोनों में से अगर एक भी कंडीशन ट्रू है, तो वहां पर हम यूज़ करेंगे लॉजिकल और ऑपरेटर का। लॉजिकल नॉट ऑपरेटर ये आपका क्या करता है, रिवर्स में काम करता है, उल्टा काम करता है। अगर आउटपुट आपके ट्रू है, तो उसको फॉल्स कर देगा, और अगर आपके आउटपुट फॉल्स है, तो ये उसको ट्रू कर देगा। तो देखते हैं इसका प्रैक्टिकल। यहाँ पर देखिए मैंने वेरिएबल्स ले रखे हैं x और y। x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 3 है। यहाँ मैंने लिखा कि x लेस देन 10 एंड y इज ग्रेटर देन 1, मीन्स x की वैल्यू 10 से लेस देन होनी चाहिए, y की 1 से ग्रेटर देन होनी चाहिए। तो दोनों के बीच में मैंने लॉजिकल एंड लगा दिया। तो अगर दोनों कंडीशन ट्रू होंगी, तो नहीं आपका आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा। देखते हैं प्रैक्टिकल। अब मैंने यहाँ पर अगेन एक फाइल ले ली, इसमें लिखा मैंने HTML को मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिया। फिर मैंने लिखा यहाँ पर हेड के बाद मैंने यहाँ पर टाइटल दे दिया, लॉजिकल ऑपरेटर्स, और टाइटल को क्लोज किया। मैंने यहाँ पर हेड को भी क्लोज कर दिया, बॉडी टैग स्टार्ट किया, बॉडी को क्लोज कर दिया। अब फाइल को सेव करेंगे कंट्रोल एस, और मैंने इसको नेम दे दिया D3 logical.html। अब इसे हम ओपन करेंगे ब्राउजर के अंदर, तो मैंने इस पर डबल क्लिक किया, तो ये आपका वेब पेज ब्राउजर में ओपन हो चुका है। देखेंगे p टैग, इसको मैंने आईडी दे दिया D1, देन यहाँ पर मैंने p को क्लोज कर दिया। फिर मैंने स्टार्ट किया स्क्रिप्ट टैग, और स्क्रिप्ट को भी मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिया। वेरिएबल के लिए वेर x इज इक्वल टू 6, वेर y इज इक्वल टू 5। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट, अब इसके अंदर हम लिखेंगे कि हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। यहाँ पर लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी D1 डॉट इनर HTML इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखा x ग्रेटर देन 10 होना चाहिए, एंड सेकेंड कंडीशन है y लेस देन, आप कोई भी कंडीशन दे सकते हैं। यहाँ पर लिख दिया मैंने x की वैल्यू लेस देन 10 होनी चाहिए, और y की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। ठीक है, फिर मुझे एक दूसरी कंडीशन देनी है, तो मैंने यहाँ पर प्लस लगाया, और मैंने यहाँ पर लाइन को ब्रेक कर दिया, फिर प्लस लगाया। अब सेकेंड कंडीशन क्या है, यहाँ पर हमारी x की वैल्यू अगेन लेस देन 10 और y की वैल्यू 1, तो यहाँ पर मैं कंडीशन चेंज कर रही हूँ। आप सेम भी दे सकते हैं, डिफरेंट भी दे सकते हैं। तो x देते हैं यहाँ पर लेस देन 8 होना चाहिए, एंड y ग्रेटर देन 1 कर दिया। अब देखें यहाँ पर, अब इसके बाद हम स्क्रिप्ट को क्लोज करेंगे, बॉडी क्लोज एंड HTML क्लोज। मैंने फाइल को सेव किया, सेव करने के बाद मैं ब्राउजर में आई, मैंने यहाँ पर रिफ्रेश किया, तो हमारा आंसर आ रहा है ट्रू एंड ट्रू। देखते हैं कैसे, एक्स की वैल्यू लेस देन 10 है, यस ट्रू है, कंडीशन वन ट्रू हो गई। वाई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, यस, तो ये भी कंडीशन ट्रू। तो अगर दोनों कंडीशन ट्रू हैं, तो आउटपुट आपकी क्या जाएगी,
जाएगी। चेकिंग कंडीशन एक्स की वैल्यू लेस देन 8 है ट्रू, वाई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है ट्रू, तो आउटपुट आपका ट्रू होगी। अब मैंने यहाँ पर एक्स की वैल्यू कर दी ग्रेटर देन लेस देन 4, हल्को सेव किया, यहाँ पर आके मैंने रिफ्रेश कर दिया, ये आंसर हो गया मेरा फॉल्स। क्यों? मेरी कंडीशन है कि एक्स की वैल्यू लेस देन 4 होनी चाहिए, तो एक्स की वैल्यू क्या 6 है, तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई, और ग्रेटर देन वाई की वैल्यू ग्रेटर देन 1, तो ये हमारा ट्रू हो गया। तो लॉजिकल एंड ऑपरेटर के अकॉर्डिंग फॉल्स एंड ट्रू आपका जाएगा फॉल्स। इसमें आपके दोनों कंडीशन ट्रू थी, तो ये आपका क्या होगा ट्रू। अब मैं यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर लगाती हूँ, मैंने यहाँ पर लॉजिकल और लगा दिया, और यहाँ पर मैं लॉजिकल और ऑपरेटर लगाया, फाइल को सेव किया, ब्राउजर में आई, मैंने उसको रिफ्रेश किया, तो यहाँ पर देखिए दोनों ट्रू हो गया। ये आपकी दोनों कंडीशन ट्रू हैं, तो लॉजिकल और ऑपरेटर ट्रू क्या होता है, ट्रू होता है, और ये आपकी क्या कंडीशन फॉल्स है, और ये ट्रू है, तो अगर एक कंडीशन फॉल्स है एक ट्रू है, तब भी आउटपुट आपकी क्या ट्रू हो जाएगी। तो इंसान से लॉजिकल और ऑपरेटर का हम यूज कर सकते हैं। अब हमें नॉट का यूज़ करना है, तो नॉट के केस में मैंने यहाँ पर लगाया एक्सक्लेमेशन मार्क, नॉट का सिंबल, इसको यहाँ पर ब्रैकेट लगा दिया, यहाँ पे मैंने इसको ब्रैकेट लगा दिया, फाइल को सेव किया, सेव करने के बाद मैं ब्राउजर में आई, मैंने रिफ्रेश किया, इसकी वैल्यू ट्रू थी, और उसको क्या करते उसने फॉल्स कर दिया। मीन्स निगेशन में जो आपका नॉट ऑपरेटर वो क्या करता है, आउटपुट अगर ट्रू है, इनपुट अगर ट्रू है तो उसको फॉल्स कर देगा, अगर फॉल्स है तो उसको ट्रू कर देगा। तो इस तरह से हम यूज़ करते हैं ऑपरेटर्स का। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स के बारे में।